रूबीना, अरशद का बुखार उतरा? कहाँ उतरा है, अभी उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। तो दवाई पिलाओ उसको। अरे दवाई भी तो खत्म हो चुकी है ना। तो जाकर ले आओ रूबीना। अब मैं अरशद को इस हालत में फिर से छोड़कर कैसे जाऊंगी? अभी अभी तो तरकारी लेकर लौटी हूँ। आप एक काम करो, इकबाल के हाथों भिजवा दो दवाई। नाम बताओ दवाई का। इकबाल। जी सलीम भाई। जल्दी से ये दवाई घर पहुंचा दे। ये ले, अरशद का बुखार बढ़ता जा रहा है। पलक, ये पलक, क्या दूध ठंडा हो रहा है, पीले फिर खेलने चले जाना। बेटा, अब्बू ने इकबाल को भेजा दवाई लाने के लिए, ठीक है, लेकर आता ही होगा। पानी पियो। रूबीना भाभी, दवाई आ गया। तू सुबह इसका बुखार उतर गया था, तभी तरकारी लेने गई थी, वापस आके देखा तो फिर 102 बुखार। हवे में ही गड़बड़ भाभी, हर जगह चल रहा है। अच्छा ये फलक कहाँ है? चॉकलेट लाए हूँ उसके लिए। बाहर खेल रही होगी कहीं, उसका दूध भी यहीं पड़ा हुआ है, उसे बोल देना अगर दूध पिएगी तो ही चॉकलेट मिलेगी। बहुत बदमाश होते जा रही, जा लेकर आओ उसे। फलक, फलक, ओ फलक, फलक देख मैं क्या लाया हूं तेरे लिए। फलक, 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 फलक। रोजेस पॉकेट फुल ऑफ रोजेस, अच्छा बुशा योर फॉल डाउन। फलक, 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 नहीं एक बार भाई, हमने तो नीचे फलक को तो नहीं देखा। नीचे तो क्या, हमने ऊपर भी नहीं देखा फलक को। अरे उसकी बॉल तो यही सीढ़ियों पे मिली है। आलिया, शाहीन, फलक जरूर नीचे आई होगी तुम लोगों के साथ खेलने के लिए, है ना? रूबीना का हम तो कब से नीचे खेल रहे हैं, अगर फलक नीचे खेलने आई होती तो मैं देख जाती। अभी जब मैं ऊपर जा रहा था ना, सीढ़ियों पर तो नहीं थी फलक। अरे पर घर में नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं, तो गई कहाँ ये लड़की? भाईजान फलक को देखा क्या? नहीं, रास्ते में। फलक, 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 खाला, अपने फलक को कहीं देखा? शबनम पापा, शबनम पापा, क्या बात है रूबीना? फलक आप क्या आई क्या? नहीं मैं तो अभी सोकर उठ रही हूँ। पर हुआ क्या? ये सलीम भाई और रूबीना भाभी की बेटी आपके यहाँ है क्या? हमारे यहाँ क्यों आएगी मियाँ? अल्लाह पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। अब्दुल भाई, आपने फलक को देखा क्या? नहीं जमीला भाभी, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपने काम में मसरूफ था। लेकिन रूबीना तो कह रही थी कि फलक यही गलियारे में बॉल के साथ खेल रही थी। अरे इकबाल मियाँ, हम 3 बजे से यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले रूबीना तरकारी लेके जब लौट रही थी, उस वक्त तो फलक थी उसके साथ। अरे मंसूर चचा, उसके बाद फलक ऊपर गलियारे में खेल रही थी, नीचे आई थी क्या? ना ना, उसके बाद तो हमने नहीं देखा उसको। अरे इकबाल भाई, रूबीना से कहो दोबारा घर पर ही देखे। कई बार बच्चे खेलते हुए ना ऐसे बाथरूम में चले जाते हैं, या तो फिर ऐसे खाट के नीचे से गई होगी। देखो ना, फलक, 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 घर पे तो गई नहीं है। तो फिर फलक कहाँ चली गई रूबीना? रूबीना खाला, कहीं फलक खेलते खेलते रोड की तरफ तो नहीं निकल गई? अरे ऐसे कैसे अकेली रोड की तरफ निकल जाएगी, आज तक कभी नहीं गई।
मिल नहीं रही है, इसका क्या मतलब है? खेलने गई है तो मंजिल में ही कहीं होगी ना। मंजिल का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। सबसे पूछा भी किसी ने नहीं देखा उसे। मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। चाचा आपने इसे कहीं देखा है? 4 साल की है, यहाँ पर आसपास कहीं किसी के साथ? नहीं बेटा, हमारी नजर में तो नहीं आई। ऐसे अकेले कहीं नहीं जाता तो कहाँ परेशान होती है तुम्हें? अरे रुबीना कहाँ है फलक? पता नहीं कहाँ चली गई है अकेले। हर जगह ढूंढा उसे, बच्ची को हर जगह ढूंढा, हर घर में, हर घर में ढूंढा, ऊपर छत से लेकर सड़क की दुकानों तक सब जगह तलाश किया। आदिल और इकबाल रोड पर पूछताछ भी कर रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची है, मंजिल छोड़कर बाहर कैसे जा सकती है? आप ढूंढ लाई मेरी बेटी को। पलक, ए बच्चा, पलक। बस बस, क्या हुआ शबनम? अम्मी संभाल के। अरे ये रुबीना की बेटी फलक गायब है। अन्ना कब कैसे? सभी हजरात गौर फरमाएं, एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा है। आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर किसी की भी नजर इस बच्ची पर पड़े तो तुरंत मस्जिद में इत्तला करें या फिर बच्ची के अब्बू सलीम सैयद को इत्तला करें। नंबर नोट कर लीजिए, 4445908। हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई है। बच्ची का फोटो मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया। आदिल कबीर, कुछ पता चला फलक का? नहीं अबू, काफी ढूंढा, यहाँ से लेके स्टेशन मार्केट हर जगह ढूंढा, फलक कहीं पर भी नहीं मिली। सुल्तान चाचा, मौलवी साहब बोले ऐलान पूरी रात चलता रहेगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि फलक मंजिल के बाहर गई तो गई कैसे। चाचा अपने आप से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे मिल जाएगी सलीम, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बच्ची है, खेलते खेलते कहीं भटक गई होगी, मिल जाएगी। सारे घरों का एक एक कोना चेक करो, अलमारी वगैरह सब। और चौहान तुम ऊपर छत पर जाओ, पानी की टंकी चेक करो। सर क्या कर रहे हैं सर ये? एक एक घर की ऐसी तलाशी? अब मंजिल की हर बच्ची सबकी बच्ची है और फलक तो सबसे छोटी बच्ची है, हम सबकी लाडली भी। इतनी लाडली होती तो सबकी नज़र है, महफूज है। 12 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, फलक को गायब हुए। सभी कह रहे कि मंजिल से बाहर नहीं जा सकते, तो मंजिल में ढूंढना पड़ेगा ना। रात भर मस्जिद से अनाउंसमेंट भी करवाई साहब। सर यहाँ एक एक दुकानों में जाकर पूछा, किसी ने नहीं देखा फलक को। फलक बाहर गई है तो अपने आप तो जा नहीं सकते। सलीम जी कोई ले जा सकता है फलक को? यहाँ तो सभी लोग बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, पर कोई ऐसे ही बिना रुबीना को बताए? फलक अभी तक नहीं मिली है, तो जो भी ले गया है उसका इरादा बता के ले जाने का तो बिल्कुल नहीं होगा। सर आप ये कह रहे हैं कि कोई कोई मेरी फलक को उठा ले गया? जी, क्योंकि आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। बच्ची को ढूंढ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? हद करते हैं आप, फूल सी बच्ची को कोई ड्रम में छुपा के रखेगा क्या? मैडम जी आप ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ अरे बताइए तो हमें। मैडम जी वहां बिस्तर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी ने कुछ बताया कि आपको ऐसे? मैडम जी मंजिल में अगर किसी के घर में होती फलक तो कोई क्यों छुपाएगा?
हम सलीम भाई और रुबीना के दुश्मन है क्या? तो यारी दोस्ती में तो कोई किसी की बच्ची को उठाकर लेकर जाता नहीं है, वो भी बिना माँ बाप को बताए। और अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए। अरे हमको कैसे पता होगा, हम खुद शाम को लौटे हैं। अम्मी है हमारी, बीमार रहती है आजकल, जब ये सब हो रहा था तो हम क्लिनिक पर थे। यहाँ से लेके स्टेशन तक और उस तरफ से इस साइड तक दोनों रास्तों की एक एक दुकान, पानवाड़ी, नाई, सबको फलक की फोटो दिखा दिखा कर पूछा। ये भी पूछा कि अकेली नहीं तो किसी के साथ में, किसी ने उठाया हुआ था, लेकिन सर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 4 साल की बच्ची इतनी दूर खुद से तो नहीं आ सकती, अगर फलक किसी के हाथ में थी तो वो कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए, वरना बच्ची रोती। सर इस राहत मंजिल में कुल मिलाकर 26 घर हैं, आखिर के 2-3 घरों की तलाशी चल रही है। सर मैंने पता किया, जिस वक्त फलक गायब हुई उस वक्त 3 बच्चियां यहाँ खेल रही थी, उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। शाम का वक्त था, 3 बच्चियां खेल रही थी, काफी हलचल रही होगी यहाँ राहत मंजिल में। जी ऐसे माहौल में किस तरह कोई बच्ची को गायब कर सकता। सर सर क्या हुआ आदिल, फलक का कुछ पता चला? नहीं सलीम चाचा। सर वह सामने कंप्यूटर क्लासेस है ना, वहां पर CCTV है। चलो योगेश, कुछ काम का मिला? जी सर, इनकी CCTV है तो अंदर क्लास के लिए, पर व्यू में पीछे पूरी राहत मंजिल का मेन एंट्रेंस दिखाई दे रहा है, देखिए। सर फुटेज तो मैंने ट्रांसफर करके दे दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर हमारा कैमरा हमारे क्लासेस के अंदर लगा हुआ है, और हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू होती हैं और रात को 8 बजे बंद हो जाती है, इसलिए सर कैमरा व्यू भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कहीं मिल पाएगा। ये मेरी फलक की स्लिपर्स हैं साहब, मेरी जूतों की दुकान है सर, यही स्लिपर्स मैं 2 हफ्ते पहले लाया था बच्ची के लिए। योगेश सर, कॉर्पोरेशन से सफाई कर्मचारियों को बुलवा, गटर चेक करना होगा। जवान क्या हुआ अबू? आदिल बेटा गटर के पास फलक की चप्पल मिली है। गटर के पास? सर इकबाल के मंजिल में दाखिल होने के बाद ही फलक गायब पाई गई, 4:45 और 5 के बीच में। आगे की फुटेज में देखते हैं, कोई अपने साथ पैकेज या कोई बड़ा बैग लेकर गया होता। ये कौन है? सर ये कबीर है, कबीर पठान, मेरा क्लासमेट है सर। सर जब से फलक गायब हुई है ना, तब से मेरे साथ ही ढूंढ रहा था रात भर। कंप्यूटर क्लास का शटर डाउन हुआ ठीक 8:06 पर, तब तक की फुटेज में फलक किसी के साथ बाहर नहीं गई, और हम यहाँ आए हैं आज सुबह 9:30। हो सकता है कोई कल रात 8 बजे के बाद बाहर गया हो, या फिर आज सुबह हमारे आने से पहले। पर साहब रात भर और सुबह आप लोगों के आने तक मंजिल में तो कोई सोया ही नहीं। हाँ साहब सुबह से लग तो हम सब लोग नीचे थे। फलक की स्लीपर गटर के पास से मिली, वहाँ जाने का बस यही एक रास्ता जो CCTV में दिख रहा है। हाँ साहब रास्ता तो यही एक है, पर कोई रात भर फलक को मंजिल में छुपा कर सुबह हमारी नाक के नीचे से कैसे ले जा सकता है?
वो कोई पैसे या जेवर तो है नहीं, जीती जागती बच्ची है और रात भर मस्जिद से ऐलान भी होता रहा। चुप हो जा मीना, संभाल अपने आप को। साहब ये मंजिल के मेन गेट से सीधे हाथ का जो रास्ता जाता है ना, वही एक रास्ता जाता है गटर को, और 8 बजे से पहले अगर कोई गया होता तो आपको सीसीटीवी में दिखाई देता, और वैसे रात भर तो हम सब लोग जगे हुए थे। लेकिन सुल्तान मियां, फलक की स्लीपर तो गटर के पास से ही मिली। फलक इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि कोई उठा कर ले जाए और दिखाई भी ना दे। पर ऐसा हुआ है, फलक को कोई लेकर तो गया है। नन्नी चौहान को बोलो कि पूरी राहत मंजिल को एक बार फिर से स्कैन करे, हर घर हर गलियारा, और ये भी देखे कि कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट तो नहीं है जहां से बच्ची को ले जाया जा सके। नंदनी इस राहत मंजिल में जितने लोगों के पास भी मोबाइल फोन है सबके नंबर भिजवाओ, और इस लड़के कबीर को भी हाजिर करो। आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। फिर ये सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा, उसी ने सबसे पहले आवाज लगाई थी कि फलक गायब है। मुझे तो उसी पर तगड़ा डाउट जा रहा है। इस इकबाल से बात करो योगेश, हम पहले सफाई कर्मचारियों के साथ गटर में ढूंढेंगे, फिर सबकी क्वेश्चनिंग शुरू करेंगे। इतना तो श्योर है कि फलक जहां भी है जिस हाल में भी है, ये इस राहत मंजिल का इंटरनल मामला है, इनसाइड जॉब नो डाउट। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ले जाने वाला फलक को कहां से ले गया, क्या इसके एग्जिट का कोई दूसरा रास्ता भी है? जी मैम। अपने दोस्त कबीर को बोल कि 3 बजे तक हमारे थाने पहुंच जाए। कबीर? कबीर क्यों मैम, वो तो दोस्त है मेरा। तो हमने कब कहा कि हमारा दुश्मन है? तुम दोनों अभी 18 के नहीं हुए ना? जी नहीं, 1 साल बाकी है। तो कबीर से कहना कि अपने मम्मी पापा के साथ थाने में आए। जी। और हाँ एक बात और। जी। इस राहत मंजिल में जितने भी लोगों के पास मोबाइल फोन है, मुझे सबके कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स चाहिए। जी मैम, हो जाएगा। चौहान कुछ मिला क्या? सर्चिंग चालू है सर, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। वर्कर से कहो कि और आगे तक देखें, तो मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। अच्छे से देखो आगे जाके, कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए। बेटा अच्छे से याद करो, फलक जिस बॉल से खेल रही थी वो हमें पता चला कि यहाँ सीढ़ियों के पास मिला है। लेकिन मैम हम तो यहाँ नीचे 3 बजे से खेल रहे थे, और तब हमने देखा था रुबीना आंटी फलक को लेके ऊपर गई थी। हमने तो उसके बाद फलक को तो देखा ही नहीं। और मैम फलक आज तक अपने आप से सीढ़ियों से नीचे नहीं आई है, हमेशा हमें से कोई उसे उठा कर लाता है। हो सकता है वो गलियारे में बॉल से खेल रही हो और उसकी बॉल लुढ़कते हुए नीचे आ गई हो सीढ़ियों के पास, तुम लोगों ने देखा नहीं और वो नीचे उतर आई हो। मैम ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग खेलने में बिजी हो, हमारा ध्यान नहीं गया हो। हाँ सर, सर्चिंग चल रही है सर, पर कहाँ और कितना देखेंगे लोग भी सर, ये नाला तो पूरे भोपाल को जोड़ता है। चौहान टीम को बोलो कि पीछे ना हटे, जितनी दूर जाकर देख सकते हैं देखें, हम ड्रेन पाइप्स और पूरे सिस्टम को खंगालेंगे, दूसरी जगहों पर भी देखेंगे। सलीम जी इस वक्त आप पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त आपको और रुबीना जी को हिम्मत जुटानी होगी, हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। सबकी लाडली है मेरी फलक साहब, कोई उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता, इतनी छोटी सी फूल सी। मैं भी यही दुआ करता हूं कि फलक को कुछ ना हुआ हो, लेकिन फलक को गायब हुए 18 घंटे हो चुके हैं,
ये सीरियस नहीं सलीम जी, बहुत सीरियस है। हमें फलक को ढूंढने के लिए आपके अतीत में कुछ ढूंढना हो। सब चॉकलेट तो रोज ही खिलाता हूँ फलक को। कल तूने क्या मिलाया था चॉकलेट में इकबाल मिर्जा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, वो मेरे मालिक की बच्ची है फलक। कौन था तेरे साथ जो फलक को गटर के रास्ते ले गया? कोई नहीं था सर, मैं फलक से मिला ही नहीं, चॉकलेट देने गया तो नहीं दिखी। चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट फलक नहीं मिली ना तुझे, तो चॉकलेट कहाँ है? साहब वो पिघल गया तो मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? मुझे याद नहीं है। याद दिलाएं चौहान। सर सर वो मैंने घर के रास्ते पर फेंक दिया। घर कहाँ है? मोमिन पाड़ा। सर इस इकबाल मिर्जा के घर जाओ, मोमिन पाड़ा, तलाशी लो, देखो बच्ची मिलती है, बच्ची का कुछ मिलता है। सर अब सलीम भाई और रुबीना भाभी से पूछिए ना मैं कैसा आदमी हूँ। सीसीटीवी फुटेज में तो नहीं दिख रहा है कि कोई फलक को राहत मंजिल से बाहर ले गया या फिर गटर की तरफ ले गया। राहत मंजिल के मेन गेट से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके गलियारे में साइड में एक जगह है, इतनी जगह कि एक बच्ची को ऊपर से नीचे किसी के हाथों में दिया जा सके। फिर वहां से फलक को पीछे के रास्ते से निकालकर गटर की तरफ ले जाया जा सकता है जहां पर फलक के स्लीपर मिले थे। लेकिन साहब कोई हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल आप हमसे कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन इसका जवाब दरअसल आप ही को देना है। ये इकबाल मिर्जा आपका असिस्टेंट, जब उस दिन दवाई देने आया था अर्शद के लिए घर पे, आप बता रही थी कि फलक गलियारे में खेल रही थी बॉल से। जी मैं फलक को दूध पीने के लिए आवाज दे रही थी। फलक, ए फलक, बेटा दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना। तो जब इकबाल ऊपर आया तो उसने फलक को क्यों नहीं देखा? उसने अंदर आकर क्यों पूछा कि फलक कहाँ है? सर जब मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया गलियारा खाली था, फलक थी ही नहीं। हुआ उसका बॉल सीढ़ियों की शुरुआत में मिला, वो बॉल भी नहीं दिखाई दिया तुझे? नहीं दिखा सर। इकबाल आधा घंटा दे रहा हूं तुझे, बता दे बच्ची कहाँ है वरना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा तू, और याद रख गटर में भी नहीं मिलेगा। सर 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 उस दिन फलक को मैंने देखा तक नहीं सर। इकबाल की तनख्वाह को लेकर कोई मसला था उसके साथ? नहीं साहब, इकबाल पिछले 4 साल से मेरे साथ है और मैंने हर साल उसकी तनख्वाह बढ़ाई। इकबाल अकेला असिस्टेंट है, दुकान के साथ साथ आप उससे घर का काम भी कराते थे। रुबीना जी इस बात को लेकर कोई खिचखिच? नहीं ऐसा कुछ होता तो इकबाल हमें बताता ना। पड़ोस में किसी के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा या ऐसा कुछ भी? साहब 15 साल पहले मैं रुबीना के साथ निकाह कर आगरे से यहाँ आया, अरशद और फलक भी यहीं पैदा हुए, मैं सच बता रहा हूँ साहब, आज तक किसी के साथ झगड़ा तो क्या, ऊंची आवाज में बात तक नहीं हुई। फिर भी बड़ी खामोशी से आपकी बच्ची फलक गायब कर दी गई। कबीर पठान। ऐसा पूछ सकती हूँ मेरे बेटे कबीर को क्यों बुलाया यहाँ? राहत मंजिल से एक बच्ची गायब हुई है फलक सैयद, और आपका बेटा कबीर कल शाम 7:30 बजे से वहां देखा गया था। वो तो मैं हर दूसरे दिन वहां देखा जाता हूँ, आदिल हमें जॉइंट स्टडी करते हैं। आदिल ने वो पुलिस मैडम को बताया तो था, साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं, जॉइंट स्टडी करते हैं ये लोग। लेकिन कल रात को हमने कोई स्टडी वगैरह नहीं की थी, हम रात भर फलक को ढूंढ रहे थे, क्यूट सी बच्ची है, कभी कभार देखा मैंने आदिल की गलियारे में। आप लोग कहाँ रहते हैं? राहत मंजिल से 2 गली छोड़कर घर है हमारा, अब अगर तसल्ली हो गई हो तो हम लोग चले जाएं? जा सकते हैं। चल बेटा। सुल्तान काजी जी बैठिए। क्या काम करते हैं आप? जी पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कल दोपहर में कहाँ थे आप? 6 बजे शाम को लौटे राहत मंजिल, सीसीटीवी में देखा हमने। साहब काम से लौट रहा था, एक बड़ी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, वहीं से लौट रहा था, मेहनत करके कमाता हूँ, बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहा हूँ। और आदिल तुम कल कहाँ थे? घर पर ही था सर, अम्मी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और मैं घर पर स्टडी कर रहा था। जब रुबीना खाला फलक के बारे में पूछने आई तो मैं उनके साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से मिला, बच्ची बाहर अकेली थी, नजर नहीं रख पाई क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा?
गटर में काफी दूर तक देखा मगर कुछ नहीं मिला और ना ही इस इकबाल के घर से कुछ मिला। वैसे फलक के गुमशुदा होने की अनाउंसमेंट लगातार मस्जिद से हो रही, अब भी हो रही है। इलाके के सारे लोग फलक के बारे में जानते हैं। अगर बच्ची को मारकर गटर में फेंका होता तो बॉडी किसी न किसी ड्रेन पाइप से जरूर निकलती, और अगर मारकर बाहर फेंका हो तब भी पकड़ में तो आ जाता। यह भी तो हो सकता है कि बच्ची को कहीं बाहर ले जाते वक्त गटर के पास उसके पैर से स्लिप निकल गया। सर, पॉसिबिलिटी है कि बच्ची के पैरों से स्लीपर गिर गई हो। सर, बच्ची शायद बेहोश थी, चॉकलेट में कुछ मिलाया हो जैसा आप पूछ रहे थे इकबाल से। मुझे अब भी इस इकबाल पर काफ़ी गहरा शक है, कल रात भर तोड़ा पर कुछ नया नहीं बोला। अगर बच्ची को यहाँ से अगवा किया गया है तो क्या मकसद पैसा था, फरौती? लेकिन फरौती के लिए अभी तक कॉल नहीं आया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रैफिकिंग गिरोह ने बच्ची को उठा लिया हो? कोई जान पहचान वाला ही उठा सकता है जिसने रात भर बच्ची को घर पर रखा हो। बाकी सीसीटीवी में कोई अजनबी आते जाते नहीं दिखा। खवातीन और हजरात, दो दिन हो गए हैं राहत मंजिल की बच्ची फलक अभी तक गायब है। आप सभी से दरख्वास्त है, जो भी जानकारी हो उसके साथ सामने आए, मस्जिद में खबर करें या पुलिस स्टेशन में। अगर बच्ची ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है तो तुम दोनों को ट्रैफिकिंग के दल्लों से कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। वो तो पक्का है मैडम, अपने लड़के दौड़ा दिए हैं वहाँ पे। मैं फिलहाल रात मंजिल में छान मारता हूँ, और शाहरुख पड़ोस पड़ोस में सब छान मार। हाँ, लेकिन एक बात है मैडम। क्या? ट्रैफिकिंग हो, दुश्मनी हो या फिरौती, जो भी हो, उस रात मंजिल के अंदर का ही किसी का हाथ लगता है। मास्टर माइंड है या मददगार, लेकिन है तो उस मंजिल के अंदर का ही कोई। मैं समझता हूँ 85 फोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, पर क्या एक 4 साल की बच्ची की जिंदगी से भी ज्यादा है? देखो, बच्ची गायब है, इससे पहले कि कोई बुरी खबर आए आप ये सारे रिकॉर्ड्स निकलवा कर दीजिए मुझे। मैं किस पर शक करूं सर, किस पर? आपको किस पर शक है? सब पर। खुला मैदान है, बस एक इशारा मिले हम उसे दबोच लेंगे, और वो इशारा सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं सलीम जी। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरी फलक ही याद आ रही है, उसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अपने फलक के गुनहगारों को पकड़वाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। सर, आपने मेरे असिस्टेंट इकबाल पर भी शक किया, सुना है उसे खूब मारा और पीटा, लेकिन मुझे उस पर भी कभी शक नहीं हुआ किसी भी चीज में। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं, कि किसका नाम लूं। साहब, साहब रहम करो साहब, साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मुझे जाने दो। बॉल यहां मिली है रुबीना को। जी सर। इसका मतलब फलक यहां तक आई हो सकती है, और अगर बॉल भी यहां पर गिरकर आई है तो इसका मतलब यह है कि फलक यहां खेल रही होगी। सर, ये इकबाल टूट नहीं रहा है, शायद सच बोल रहा हूं, हो सकता है उसके पहले यहां कोई आया हो। सीसीटीवी में कोई कैप्चर नहीं हुआ है जो इकबाल के आने से कुछ देर पहले बाहर से अंदर आया हो। सर, हो सकता है राहत मंजिल के अंदर से ही कोई आया हो फलक के पास। अगर ऐसा है तो फिर वो फलक को लेकर कहां गया? मैं यहां सबके घर गई थी, शबनम आपा के यहां, रुखसार आपा के यहां पे भी गई थी। इनमें से कोई ऐसा भी घर था जहां से कोई बाहर ना निकला हो, या फिर घर पर ही ना हो? रुखसार आपा, रुखसार आपा अपनी सास मरियम खाला को लेकर अस्पताल गई थी। तो घर पर कोई नहीं था? हाँ ना, आदिल था पर वो बाथरूम में था। रुखसार आपा। हाँ, कौन? आदिल, मैं रुबीना, फलक आई क्या तुम्हारे यहाँ? फलक? फलक तो नहीं है, मैं बाथरूम में हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ 5-1 मिनट बाद आदिल आ गया, फिर वो भी लग गया हम सबके साथ फलक को ढूंढने में। आदिल तो कॉलेज गया है साहब। ठीक है, हम आदिल को फोन करते हैं। वैसे आप में से किसी एक को आदिल के साथ थाने आना होगा, आपके सामने आदिल से सवाल होंगे, वो नाबालिग जो है। पर साहब, पूछना क्या है आप लोगों को आदिल से? कुछ सवाल है रुखसार जी, पलक के गायब होने को लेकर। पर पुलिस की मदद ही तो कर रहा है आदिल। हाँ जानते हैं, लेकिन उसे थोड़ी सी मदद और चाहिए। साहब, 4 दिन हो गए हैं,
हमारी मंजिल की बच्ची फलक अभी तक लापता है। सलीम और रुबीना की हालत देखी नहीं जा रही साहब। साहब, 4 साल की बच्ची को 4 दिन से गटर में खोज रहे। सोचे आम लोगों में इतना खौफ आ गया है तो उसके माँ बाप पर क्या बीतरी होगी। ये हमारी आवाज उतनी भी दबी नहीं है, हम अभी भी उसे मीडिया में बुलंद कर सकते हैं। तो कीजिए, अगर आप लोग मोर्चा निकालने का तय कर चुके हैं तो निकालिए, और जरा सोचिए हम हमारी ताकत, हमारे आदमी आपका मोर्चा संभालने में खर्च करें या फलक को ढूंढने में। नहीं सर, 2:30 बजे तक तो मैं कॉलेज में ही था, और फलक का गायब होना तो कुछ 5 बजे के आसपास था। आदिल, तुम काफी घुलते मिलते थे फलक से। फलक से सभी घुलते मिलते थे, सब प्यार करते थे उसे। जब से ये सब हुआ है सब परेशान है मंजिल में। आदिल, एक सीधा सवाल है तुमसे, और उसका सीधा ही जवाब देना। क्या फलक के साथ तुमने कुछ किया है? अरे साहब, हम शरीफ लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बकते रहेंगे। पहले तो इन मैडम ने हमारा घर उथल पुथल कर दिया, और अब आप हमारे बच्चे को इन सब चीजों में घसीट रहे हैं। आप चुप रहेंगी, ठीक है? सवाल आदिल से किया जा रहा है, आदिल ही जवाब देगा। आदिल, तुमने घर से बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देर कहा सर, बाथरूम में था, 5 मिनट में बाहर आ गया था, और रुबीना खाला से कहा भी कि मैं बाथरूम में हूँ। सर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर फलक को ढूंढने में लग गया। फिर सुनिए मेरी बात साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? रुखसार जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आदिल जवाब देगा। आदिल कौन हो सकता है वो जो फलक को भला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले गया, क्योंकि ऐसा हुआ है। हद है साहब, अब हद है। आप मेरे बच्चे के मुंह से किसी और का नाम निकलवा रहे हैं और इससे किसी और पर इल्जाम डलवा रहे हैं। लास्ट टाइम कह रहा हूँ रुखसार जी, आप चुप रहिए, वरना मजबूरन मुझे आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, समझे आप? कौन हो सकता है वो? सर, पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बोल बोल। सर, मंसूर चाचा पूरे टाइम नीचे ही बैठे थे, और उस दिन से लेके आज तक सबसे यही कह रहे कि फलक तो नीचे आई नहीं। फलक नीचे आई थी? ये तो नहीं पता सर मुझे, लेकिन 13 तारीख की रात को अगले दिन जब आप लोग गटर के पास ढूंढ रहे थे तब मैं मंजिल में दाखिल हुआ, तब मैंने मंसूर चाचा को किसी से बात करते हुए सुना। अच्छा मियाँ, अब ये फलक का क्या कर? जो भी करना है बर्फदार जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। मंसूर अली जी, चलिए। कहाँ चलूं साहब? थाने। थाने क्यों? पर ये जानने मंसूर मियां कि आपने फलक के साथ क्या किया, अब्बू, ताकि हम ये तय कर सके कि आपके और आपके साथीदारों के साथ हमें क्या करना है। अरे, आप मेरे अब्बू के साथ ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? देखिए साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, मैं तो सारा दिन यहाँ बैठ के अखबार बांटता रहता हूँ। नाना जनाब ना, मैं अब भी कह रहा हूँ कि फलक उस शाम को नीचे नहीं उतरी थी, मैं वहीं बैठा था, रोज ही बैठता हूँ, मेरी नजर से कोई चूक नहीं सकता, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पे मेरी नजर होती है। आप मेरे अब्बू से फलक के बारे में पूछना क्या चाहते हैं? आवाज नीची मुर्तजाली, ये कड़ किसी अखाड़े में दिखाना, ये पुलिस थाना है, दूसरी बार बोलूंगा नहीं। लेकिन सर, ये आप कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं अब्बू पर। हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तेरे अब्बू मंसूर अली पर। किसी ने तेरे अब्बू मंसूर अली को यह कहते हुए सुना था कि अब फलक का क्या करना है? फलक के गायब होने के बाद बात अगले दिन। ना ना जनाब ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बताएंगे जरा, ये कौन जनाब है जो सरासर झूठी खबरें फैला रहे हैं? जिसने भी कहा वो आपके अब्बू की आवाज सही पहचानता है, सुन सुनकर बड़ा हुआ, चूक नहीं सकता। था नंदिनी। सर, मंसूर अली के घर का 1-1 इंच ढूंढा, कुछ निकला नहीं सर। एक काम करो नंदिनी, इस कंप्यूटर क्लास वाले जगदीश से कहो कि 13, 14 और 15 जून की CCTV फुटेज निकलवाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गटर में ढूंढ रहे थे, घरों में ढूंढ रहे थे, और इस मंसूर अली और उसके लोगों ने बच्ची को चुपके से रात मंजिल से आउट कर दिया हो। ठीक है सर। अब मुझे याद आ रहा है, 13 की शाम को हम वहाँ थे जरूर, और हमारी बातें भी हुई थी, लेकिन अब्दुल दर्जी और मुर्तुजा से हुई थी। बातें क्या हो रही थी मंसूर साहब? हम मोर्चा निकालने की बातें कर रहे थे सर। फलक के बारे में और क्या बात हो सकती है, हमारी राहत मंजिल की सबसे नन्ही जान है वो। अच्छा मियाँ, अब ये फलक का क्या कर? देखिए अब्बू, अभी पुलिस गटर में ढूंढ रही है, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। जो भी करना है बर्फदार जल्दी करो, वक्त
जाया हो रहा है। चाचा जान सही फरमा रहे हैं मुर्तजा, सारी मंजिल के लोगों को इकट्ठा करके मोर्चा निकालना ही बेहतर होगा, और वो भी जल्द से जल्द। पुलिस तो यही कहेगी ना कि गटर में कुछ मिला ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, और चार पाँच दिन बाद ढूंढना भी बंद कर देगी। कल सबकी मीटिंग बुलाते हैं और देखते हैं कि सुल्तान भाई की क्या राय है। सर पूरी मंजिल में यही बातें हो रही हैं। जनाब हर एक फलक को लेकर बुखलाया हुआ है, हर कोई वही वही बातें कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एक पे शक करेंगे, हर एक को अंदर कर देंगे जनाब? बारह जून को फलक गायब हुई थी। उस दिन राहत मंजिल में रहने वाले हर शख्स मूवमेंट की रिपोर्ट बनाई, क्रॉस चेक भी किया गया। ट्रैफिकिंग माफिया और भिखारी माफिया दोनों को टटोला गया कि कहीं फलक को इनमें से किसी ग्रह में ना भेज दिया गया। कड़ी से कड़ी पूछताछ करने के बावजूद सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा अपने बयान पर अड़ा रहा और हमें उसके खिलाफ कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिला। हम पूरी तरह और बुरी तरह कॉर्नर हो चुके थे। फलक के माँ बाप के एक सिंगल सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, और वो सवाल था हमारी बेटी फलक कहाँ है। जो हुआ था सारा कुछ उस राहत मंजिल में हुआ था, फिर भी हमें राहत मंजिल से सिंगल सुराग नहीं मिल पा रहा था। पर हम तस से मस नहीं हुए। राहत मंजिल में रहने वाले हर सदस्य की ट्रैकिंग चलती रही, पूरी उम्मीद थी कि इसी में से कोई हल निकले। सर जब इकबाल चॉकलेट देने फलक को ढूंढने गया और जब फलक उसे नहीं मिली, शायद उसे थोड़ी देर पहले किसी ने फलक को गायब कर दिया होगा। 12 जून को रात को सलीम और सभी ने पूरी राहत मंजिल में फलक को ढूंढा, एक एक घर में गए, फलक के बारे में पूछा, और फिर अगले दिन यानी कि 13 जून को 9:30 बजे हमने टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि राहत मंजिल में ही किसी ने फलक को अपने घर में छुपा कर रखा था 12 जून को रात को, और अगर फलक को कहीं बाहर ले जाया गया है इसका मतलब यह है कि सुबह हमारे पहुंचने से पहले जब CCTV भी बंद था, बंदा अपना काम कर गया। सर बच्ची फलक को होश में सबकी नजरों से छुपा कर ले जाना बहुत मुश्किल होता, सिवाय एक तरीके के। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं योगेश, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बच्ची को मारकर उसके टुकड़े बाहर ले जाए गए। सर अगर ऐसा हुआ है तो किसी बैग या थैले में लेकर गए होंगे टुकड़े, ताकि किसी को शक ना हो। हम इस केस की सबसे भयंकर संभावनाओं से जूझ रहे थे कि एक ऐसी खबर आई जिसने इन संभावनाओं को हकीकत का रंग दे दिया। छोटी बड़ी मत सोच इब्राहिम, लीड है तो जल्दी बता। मुइनुद्दीन बेग है राहत मंजिल का ही रहने वाला, जमीला बेग का शौहर। अच्छा चलता हूँ जमीला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाही, फातिमा, आलिया, चलो खेलना बंद करो, घर पर आओ। साहब ये मुइनुद्दीन दिन में तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लेकिन रात में कुछ और ही बन जाता है। दो रातें साये की तरह लगातार पीछा किया इस मुइनुद्दीन का साहब, रेल की पटरियों की झाड़ियों के पीछे चला जाता है। किसी पे कोई उंगली नहीं उठाई जमीला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, आप लोगों के पास पैसे तो कुछ भी करोगे, किसी को भी उठवा लोगे, पहले उस मंसूर भाई जैसे बुजुर्ग को उठवाया। अरे आदिल को भी पुलिस उठाकर ले गई थी सलीम भाई, बहुत जलील किया हमें। और एक बात बताओ सलीम भाई, इस मंजिल में ऐसा कौन है जिसने की फलक को ढूंढने में कोई कसर छोड़ी हो, और अब आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो अब मैं पुलिस को क्या कहती हूँ, मैं कहूंगी ना कि इन दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची को गायब करवाया है, मारो इनके दो डंडे, सब उगल देंगे ये लोग, समझते क्या अपने आप को? हां छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों में से किसी को। जादू टोना करते हो? जी सब जानते हैं करता हूं, पर सिर्फ अपने लिए। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ मेहनत रंग नहीं लाती, रूहानी ताकतों का सहारा भी बहुत जरूरी हो जाता है। किस लिए जरूरत पड़ती है रूहानी ताकतों के सहारे की? ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, घरेलू झगड़ों से निजात पाने के लिए, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए
लड़के के लिए ना जी, जो तुम कब से चाह रहे हो। तू इन लड़कियों के बाद लड़का नहीं हो पाया। हर कोई जिसके घर बच्चियां हैं उसे लड़के चाहिए, और जिसके घर बेटी नहीं है वो बेटियों के लिए तरस जाता है। दस्तूर है दुनिया का। जले पे नमक छिड़क रही हैं आप मैडम। हाँ ये सच है कि मैं बेटे के लिए तरस रही हूँ, उसके लिए सारी कोशिशें जारी हैं। इसका ये मतलब कैसे निकाल रही हैं आप कि हम जानने बाद जादू टोना करेंगे? उसके लिए फलक जैसे मासूम बच्चे को मारेंगे हम? तो फिर किस लिए मारा? नहीं मारा मैडम, हमने उसे नहीं मारा। अरे हम तो फलक को अपनी बच्चे के जैसे प्यार करते हैं। सारे मंजिल वालों के साथ जाकर मैंने फलक के लिए दुआएं भी मांगी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। कह तो सब ये भी रहे कि आपको चिढ़ थी क्योंकि तीनों बार में से एक भी बार आपको लड़का नहीं हुआ। चिढ़ थी? मेरे शौहर मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे पा रही। आप नोट कर लीजिए साहब, हम कभी किसी की कुर्बानी नहीं करते, और इंसान की तो सवाल ही नहीं। फिर क्या करते हो? अब आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, पर मैं अकेला नहीं हूँ हमारी राहत मंजिल में जो रूहानी ताकतों पर भरोसा करता है। और कौन कौन है जो भरोसा करते हैं रूहानी ताकतों पर? कई लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं जाता है सलाह मशवरा करने। अब ये सुल्तान काजी को ही ले लो, बाबा कयूम के पास जाता है हर हफ्ते। सुल्तान काजी, रुखसार का पति आदिल का अब्बू। सिर्फ यही नहीं, हर अगला बंदा आजमाना चाहता है रूहानी ताकतों को। अब ये फलक के अब्बू सलीम को ही ले लो। सलीम? सलीम भी? क्यों नहीं मालिक, हर कोई तरक्की चाहता है और भी जल्दी चाहता है। क्या था ये सलीम? आगरे से आया था यहाँ पे, फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में, बड़ी दुकानों की चप्पलें जूते सिलाते सिलाते आज देखो खुद की बड़ी दुकान खड़ी कर दी है। मेहनत उसकी थी लेकिन उसे सही रास्ता दिखाया ताकतों ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सलीम ने रूहानी ताकतों के कहने पर खुद अपनी बच्ची को मार डाला? सब धुंधला सा है अभी साहब। 15 दिन से मैं रोज जाके अपनी ताकतों से पूछ रहा हूँ कि भाई किसने किया ये, बच्ची को किसने गायब किया। मुझे मेरी ताकतें जवाब नहीं दे रही हैं, बस एक इशारा कर रही हैं। और वो इशारा क्या है बाबा मोइनुद्दीन? दुश्मन भीतर है। भीतर मतलब खुद के अंदर? हमारी राहत मंजिल के भीतर। हेलो, फलक को जिंदा देखना चाहता है सलीम सईद। कौन बोल रहा है? कहाँ है मेरी बच्ची? सलीम सईद, हर जान की एक कीमत होती है, नन्ही सी क्यों ना हो, तेरी फलक 75 की है, 75 लाख। 75 लाख? देखो भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुमने गलत बच्ची को उठाया है। मैं कहां से इतने पैसे ले आऊंगा? वो तू जाने, मेरे पास तेरी बेटी फलक, और बिना पैसे लिए मैं उसे लौटाऊंगा नहीं। पैसे तूने नहीं दिए, कोई और देगा, मंडी में बेच दूंगा उसे, फिर तू जिंदगी भर कोठे तलाशता रहेगा, और मिली भी तो पहचान नहीं पाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा मत बोलो। पैसे रेडी रख, फिर फोन करूंगा। हेलो हेलो हेलो, किसने अगवा किया हमारी फलक को? कितने? 75 लाख। देखिए घर दुकान सब बेच देंगे, लेकिन मुझे मेरी बेटी फलक वापस चाहिए। हाँ मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, समझे आप? मुझे मेरी बच्ची किसी हालत में वापस चाहिए। ऐसा नहीं था कि इस केस में सुराग नहीं थे, मुश्किल ये थी कि एक भी हाथ नहीं लग रहा था, और रातों रात हमारे सामने अब कई मोर्चे कई एंगल्स खुल गए थे। एक था जादू टोना करने वाला मोइनुद्दीन बेग, और दूसरी ओर था सुल्तान काजी, वो भी झाड़ फूंक में विश्वास रखता था। और फिर फलक के गायब होने के पूरे 15 दिन बाद आया था ये फरौती का कॉल। जाहिर सी बात थी कि यह सारा ड्रामा उस राहत मंजिल बिल्डिंग के अंदर रचा गया था, पर ड्रामे के मध्यांतर तक हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ड्रामे का विलेन कौन है। सर, किडनैपर का नंबर 4468986 स्विच्ड ऑफ है।
मैंने रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। बड़ी जल्दी फोन किया किडनैपर ने, पूरे 15 दिन के बाद। अजीब तो है सर, पर अब एक ठोस एंगल बन रहा है किडनैपिंग का। राइट, लेकिन मैं इस जादू टोने वाले मोइनुद्दीन को रूल आउट नहीं करूंगा। स्कैनर पर डाल दो इसे। ये मोइनुद्दीन जाता कहाँ है, करता क्या है, इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर, इस सुल्तान काजी और बाबा कयूम, इन दोनों को भी उठवा लेते हैं। नंदनी, तुम रैनसम कॉल फॉलो अप करो, मैं सलीम से बात करता हूँ। सर, इस वक्त दो ही मकसद नजर आ रहे हैं, अपहरण और नरबली, और इन दोनों के बीच लकीर बहुत धुंधली सी है। साहब, दुकान मकान के साथ अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो भी मैं 75 लाख नहीं चुटा पाऊंगा। उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सलीम जी, ये गलतफहमी आप ही को लेकर क्यों हुई? आप ही के बच्चे को क्यों निशाना बनाया गया? पर मैडम, मैं क्यों हूं पुलिस स्टेशन? ठीक है सुल्तान काजी, तो मैं एक टीम भेजती हूँ तुम्हें उठाने के लिए। ये कौन सा तरीका हुआ मैडम बात करने का? बातें बहुत हो चुकी हैं और बच्ची फलक अब भी गायब है। सलीम जी, किडनैपर ने 75 लाख रुपए मांगे हैं फिरौती के, उसे लगता है कि आप इतनी रकम दे सकते हैं। कोई ऐसा है जिसे आपके बैंक बैलेंस की जानकारी हो? नहीं सर। सलीम जी, हमें यह भी पता चला है कि इस राहत मंजिल में कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जो जादू टोना करते हैं। 12 जून को फलक की बॉल का यहाँ इन सीढ़ियों पर मिलने का मतलब है कि उस दिन फलक यहीं इसी गलियारे में खेल रही थी। जी, तो शायद, शायद नहीं, यकीनन वो बंदा इसी मोहल्ले का रहा होगा जो बहला फुसला कर फलक को अपने साथ ले गया। सर, कौन हो सकता है वो? थोड़ा गहराई में सोचे सलीम जी। अरे, ये गड्ढा ताजा लग रहा है, खोद के देखो इसे। सलाम साहब। इब्राहिम, सलीम और रुबीना के फ्लैशबैक में जाओ, पता लगा इन दोनों के बीच कोई था, थी या अब भी है। लगा देता हूँ अपनी टीम को साहब, लेकिन जनाब क्या कोई खुद की बच्ची को गायब करेगा? फलक अपने घर के गलियारे में ही खेल रही थी, और ऐसा कोई पहली बार तो होगा नहीं कि चोर घर के अंदर ही है। तू लग जा इनके पीछे, खोद डाल इनके इतिहास और वर्तमान को भी, ठीक है? साहब, इंसानी कुर्बानी गुनाह है, मैं टूटे हुए लोगों को हिम्मत देता हूँ, बस उनके जख्म भरता हूँ, उनके मामला हल करता हूँ झाड़ फूक करके। यकीन की बात है साहब, और मुझे यकीन है कि तूने फलक को मार डाला। लाहौल वाला कुवत, मैंने आपसे कहा ना साहब, मैं इंसान की कुर्बानी नहीं देता, मैं दवा देता हूँ। उड़ी देता है, गोली देता है। तेरे जैसे पाखंडी लोग मजबूर लोगों की जिंदगियों के साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं, और याद रख, डंडा हमारे पास भी है। अरे, आप पुलिस वाले हैं तो कुछ भी इल्जाम लगाएंगे, फलक की कुर्बानी चला दी, मतलब कुछ तो हो सकी। तुम्हें तो कहा था कि तुमने बाबा कयूम के कहने पर और नींबू मिर्ची काली गुड़िया ये सब किया हुआ है, वो भी पूरे होश में। जी, वो बिजनेस में फायदा हो इसलिए। तो फायदा हुआ? जी हुआ। तो बाबा कयूम ने कहा होगा कि बड़े फायदे के लिए नरबली दो। क्या कह रही हैं आप, फलक हमारी बच्ची जैसी है, घर में आना जाना था, सभी प्यार करते हैं उसे। तभी तो आ गई होगी आसानी से साथ में, पड़ोस वाले घर में जो रहती थी। बस कीजिए माता, क्यों हम सबकी इज्जत इस तरह उतारने पर लगी है, जीना दुश्वार कर दिया आप लोगों ने। सर, ये मोइनुद्दीन जहाँ काले जादू की विधियाँ करता है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिला। पूरा इलाका छान मारा? हाँ साहब, एक एक कोना छान मारा, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। ये बाबा कयूम कुछ बोल नहीं रहा है, पर मैंने खबरी लगा दी है उसके कर्मों की कब्र खोदने के लिए। और सुल्तान काजी? नंदिनी ने आड़े हाथों लिया पर टूटा नहीं, शायद कुछ ना हो। और सलीम का वो असिस्टेंट इकबाल, चॉकलेट वाला? इकबाल ने भागने की कोशिश नहीं की सर, रडार पर है। जिस नंबर से फिरौती का कॉल आया, उस नंबर से सिर्फ एक वही कॉल हुआ, कल 3 बजे।
लोकेशन? हमीदिया कॉलोनी का टावर लोकेशन। लोकेशन के पास कोई सीसीटीवी? नहीं सर, मैंने चेक किया। सिम किसी रंजीत वर्मा के नाम पर खरीदा गया है 2 जून को। मतलब फलक के गायब होने से 10 दिन पहले। डेफिनेटली कोई साजिश हुई है, प्लान्ड। या तो ये लीड फॉल्स होगी या फिर रंजीत वर्मा ये नाम जाली होगा। फिर भी मैं लीड फॉलो करती हूँ सर, हो सकता है इस जाली नाम से कोई असली लीड मिले। वैसे अब तक दूसरा कॉल आया नहीं। आएगा, पहला कॉल भी फलक के गायब होने के 15 दिन के बाद आया था। हेलो, 75 लाख रेडी है सलीम? मैं बोल चुका हूँ भाई, मैं इतना रईस नहीं हूँ। तुमने गलत आदमी को निशाना बनाया है। हमने सही आदमी को निशाना बनाया है, लेकिन लगता है तू अपनी बेटी फलक की लाश देखना चाहता है। उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसे ना देकर तुम फलक की जिंदगी बिगाड़ रहे हो, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तुम हो कौन? बोलो पैसे कब तक रेडी होंगे? देखो मैं 15 लाख से ज्यादा एक पैसा नहीं दे पाऊंगा। तुम पैसे ले लो और लौटा दो फलक को। हेलो हेलो, देखो मैं कुछ भी करके 20 लाख जुटा लूंगा। हाँ तो बोलो अभी। बेटी का सौदा कर रहा है छिछोरे? भाई इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, चाहे तो जान ले लो मेरी। भंगार में भी नहीं बिकेगी तेरी जान। चल बीसी सही, कब देगा बोल। एक बार पलक से बात करा। मेरी बात करवा। एक बार पैसे दे दे, फिर जिंदगी भर बात करते रहना अपनी फलक से। वैसे ठीक है तेरी फलक, और हाँ पुलिस से दूर रह, और कल तक पैसे रेडी रख। भाई एक बार बच्ची की आवाज सुना दो एक बार। तू सबसे पहले पुलिस को हटा दे, उनकी मदद लेगा तो शायद तेरे 20 लाख बच जाएंगे, लेकिन तेरी फलक नहीं बचेगी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। हेलो, एक बार बच्ची की आवाज सुना दो। हेलो हेलो, और हमसे ये दुश्मनी निकाल रहा है। फलक राहत मंजिल में नहीं है, कंप्यूटर क्लास के सीसीटीवी फुटेज में राहत मंजिल से बाहर जाते हुए नहीं है, लेकिन उसकी चप्पल मिलती है गटर के पास। मतलब फलक को कोई पीछे के रास्ते से बाहर ले गया और किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन वो हो कौन सकता है? सर मुझे अब भी इस इकबाल पर फुल डाउट है। दोबारा उठा लो इसे। जाहिर सी बात है सलीम को खुद तो फोन करेगा नहीं, क्योंकि सलीम इसकी आवाज पहचान लेता, जरूर इसका कोई साथीदार होगा। सर फिरौती का दूसरा कॉल जिस नंबर से आया था वो ट्रैक हो गया है, नंबर अभी बंद है। नंबर है 4446898 62। दोबारा बोलो। 4446898 62। एक मिनट, पहले वाला 61 था ना और ये 62। दोनों नंबर सीरियल ऑर्डर में सर, 4446898 61 और ये 62। से ये कॉल मनवा भान टेकड़ी से हुआ। सर लगता है किडनैपर ने फिर से बिना सीसीटीवी वाला एरिया चुना होगा। सिम की डिटेल्स आ रही है 1 घंटे में। पहले सिम वाला बंदा ट्रैक हुआ, रंजीत वर्मा, 4446898 61 वाला। सर रंजीत वर्मा तो मैं ही हूँ, लेकिन ये मेरा नंबर है ही नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे इस्तेमाल हुए रंजीत वर्मा। सर मुझे नहीं पता है ये किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। इकबाल मिर्जा को जानते हो? अभी कौन है रंजीत वर्मा साहब, आप क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पर हमारी समझ में कुछ कुछ आने लगा इकबाल, एक बार तेरे साथीदार पकड़े जाए फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, तब तक तो यही रहेगा। सर सर मेरा कोई साथीदार नहीं है सर, सर मैंने फलक को नहीं उठवाया सर। हेलो, 75 लाख रेडी है सलीम? मैं बोल चुका हूँ भाई, मैं इतना रईस नहीं हूँ। तुमने गलत आदमी को निशाना बनाया है। हमने सही आदमी को निशाना बनाया है। उस नन्ही सी जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसे ना देकर तुम फलक की जिंदगी बिगाड़ रहे हो, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तुम हो कौन? बोलो पैसे कब तक रेडी होंगे? देखो मैं 15 लाख से ज्यादा एक पैसा नहीं दे पाऊंगा। बेटी का सौदा कर रहा है छिछोरे? चल बीसी सही, कब देगा बोल। एक बार फलक से बात करा। एक बार पैसे दे दे, फिर जिंदगी भर बात करते रहना अपनी फलक से, और हाँ पुलिस से दूर रहे। नहीं साहब, मैं इस आवाज को नहीं पहचानता। मैं भी नहीं पहचानती। मोहल्ले में भी कोई नहीं पहचानता, जाहिर सी बात है ये बाहर वाला है, लेकिन इसे बुलाने वाला कोई राहत मंजिल के अंदर का ही है। हमें सबसे ज्यादा शक इकबाल पर है, हमें जादू टोना करने वाले मोइनुद्दीन और सुल्तान काजी पर भी शक है, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं निकला। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि कोई मेरी बच्ची को फिरौती के लिए क्यों उठाएगा। ये 20 लाख भी मैं लोगों से उधार मांग मांग कर बिनतियां कर करके इकट्ठा कर रहा हूं। उसने तो मुझसे 75 लाख मांगे थे। पर 20 लाख पर मान गया, मतलब उसे मालूम है कि आप इतनी रकम दे सकते हैं। वो ये भी जानता है कि आपका अपना बिजनेस है, माल आता जाता रहता है,
आप राहत मंजिल के सबसे अमीर आदमी हैं। इस वक्त बिना फलक के मैं सबसे गरीब हूं साहब, सबसे गरीब। मैंने 18 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, शाम तक दो और आ जाएंगे, मैं उन्हें सारे पैसे दे दूंगा। बस हमारी बच्ची लौट आया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं कि आपकी फलक आप लोगों तक सही सलामत पहुंचे। किडनैपर्स ने जो दो सिम कार्ड यूज किए थे, हमने उन्हें सर्विलेंस में डाल दिया है। बस अब हमें कल उनके फोन करने का इंतजार है। सर मैं कहां मना कर रहा हूं, ये मेरे ही पैन कार्ड की कॉपी है। अब तो सच बोलेगा रंजीत वर्मा कि तूने सिम किसके लिए खरीदा था, किडनैपिंग में तुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। 4 साल से मेरे पास एक ही फोन है और मेरा एक ही नंबर है। आपको यकीन नहीं होता तो मेरे मोबाइल पे चेक कर लीजिए सर, 444-55-3158 यही नंबर है मेरा। मैडम मुझे याद नहीं कि ये ड्राइविंग लाइसेंस मैं कहां पर भूला था, पर मेरे डॉक्यूमेंट से कोई सिम कार्ड लेकर क्या कर रहा है। कैलाश सिंह कहीं ऐसा तो नहीं ये मजाक तुम खुद कर रहे हो कि चलो आज किडनैपिंग करते हैं। मैं वन विभाग में जूनियर ऑफिसर हूँ, पर ये किडनैपिंग तो दूर की बात है, मैंने आज तक एक सिग्नल तक नहीं तोड़ा। सर ये रंजीत वर्मा और कैलाश सिंह दोनों मिडिल क्लास बंदे, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। दोनों के नाम पर नंबर्स लिए गए, एक ही दिन एक्टिवेट हुए 2 जून को और एक ही काम के लिए। दोनों नंबर्स सीरियल ऑर्डर में, एक ही मोबाइल कंपनी के। कल किडनैपर फिरौती की जगह बताने के लिए तीसरा कॉल करेंगे, शायद किसी तीसरे नंबर से, जो शायद इसी सीरियल ऑर्डर में। ये सारे सिम कार्ड एक ही दुकान से खरीदे गए, शायद उस दुकान में सीसीटीवी। खान साहब ऐसा कभी हुआ है कि मैंने आपसे पैसे उठाए और सूद समेत नहीं लौटाए? हाँ इस बारी बच्ची की जान का सवाल है, आप यकीन कीजिए मेरा, आपको पाई पाई लौटाऊंगा सूद समेत। खान साहब बाकी के 2 लाख भेज रहे हैं, मैं हमारी फलक को वापस ले आऊंगा रुपया, मैं उसे वापस ले आऊंगा। सर आपको हर फोन रिकॉर्ड 2 घंटे में चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता है ना सर, कम से कम 48 घंटे तो दीजिए मुझे। 4 साल की बच्ची 16 दिनों से गायब है। सर मैं इमोशन समझता हूँ, लेकिन ये रीजनल ऑफिस है, यहाँ से हेड ऑफिस को पहले मेल जाएगा, वो सीरियल ऑर्डर्स देखेंगे और फिर डिस्पैच ऑर्डर्स बताएंगे, सब कुछ तरीके से कायदे से होगा। मुझे प्रोसेस समझाने में टाइम वेस्ट करने के बजाय उन नंबर्स के डीलर को ढूंढने में टाइम लगाइए, एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल है। चौहान तुम और तुम्हारी टीम राहत मंजिल पर नजर रखेंगे, लेकिन सबकी नजर से बचकर। नंदनी फोन कंपनी के पीछे पड़ जाओ, डीलर तुरंत ट्रैक होना चाहिए। योगेश तुम ऑन द रोड, डिलीवरी की लोकेशन मिलते ही मूव इन। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये मुजरिम पकड़े जाएं और फलक सही सलामत अपने घर पहुंचे। मूव सर। चल तेरी बात मान लेते हैं कि सलीम और रुबीना का कोई अफेयर नहीं है, पर इब्राहिम कोई और वजह हो सकती है सलीम और रुबीना के पास खुद ये कांड करने के लिए। नहीं साहब, आगरे तक अपना बंदा दौड़ाया, जहाँ ये सलीम पैदा हुआ पला बड़ा, बहुत नॉर्मल सी शुरुआत की थी साहब। 19 साल की उम्र में भोपाल आ गया, कड़ी मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया अकेले ने, ईमानदारी का बिजनेस है साहब। लेकिन है तो बिजनेस, हाल फिलहाल में 20 लाख का कोई घाटा या फिर कर्जदार पीछे पड़े हो? ऐसी तो कोई खबर नहीं है साहब, फिर भी मार्केट में पता लगाता हूँ। ठीक है लग जा काम पर। जी साहब। योगेश सर, ये सलीम अपनी बीवी रुबीना को धोखा नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी नहीं दे रहा है, दोनों मियां बीवी की मिलीभगत भी तो हो सकती है। पॉसिबिलिटी है सर, रुबीना का सलीम को फोन करना, सलीम का इकबाल को दवाई लेकर भेजना और इकबाल के मंजिल में दाखिल होते ही फलक का गायब हो जाना। फलक कोइंसिडेंस कम कॉन्स्पिरेसी ज्यादा लगती है। फिलहाल हम इस किडनैपिंग को असली किडनैपिंग मानकर चलते हैं कि फलक को किसने कहीं छुपा कर रखा है और हमें उसे ढूंढना है। डीलर की डिटेल्स दो जल्दी। शॉप नंबर 10 ओल्ड मार्केट भोपाल, मोहित मोबाइल्स। नंबर्स हैं 444-689861, 6263 और 64। ये 4 नंबर की सीरीज डिस्बर्स हुई हैं। सर हमारा शक सही है, ये सीरीज का अगला नंबर है 444-689863। सलीम जी फोन लीजिए और जैसा वो करने के लिए कहे आप करते रहिए।
हमारी टीम ने पूरी तरह से आपको कवर किया हुआ है, बिल्कुल डरिएगा मत। हाँ हेलो, 20 लाख रेडी है? हाँ रेडी है। कहाँ लाने हैं? राहत मंजिल से निकलो, ऑटो लो, रेलवे स्टेशन पहुंचो, फिर फोन करूंगा। सलीम जी, जैसा वो कह रहा है आप वैसा ही कीजिए, निकलिए राहत मंजिल से। सर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी अलर्ट पर है, सीसीटीवी की भी मॉनिटरिंग हो रही है, मैं भी निकल रहा हूँ। लेकिन योगेश मुझे नहीं लगता कि एक्सचेंज रेलवे स्टेशन पर होगा। रजत, किडनैपर की लोकेशन ट्रैक हुई? सर रियल कोऑर्डिनेट्स के लिए 15 मिनट लग जाएंगे। जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ मैडम, ये चारों सिम कार्ड नंबर मेरी दुकान से ही खरीदे गए थे 2 जून को। तो मुझे 2 जून के पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीसीटीवी तो नहीं है मैडम यहाँ पर, लेकिन ये चारों सिम नंबर जिस आदमी के नाम है उसके सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास। उसकी डिटेल्स जल्दी निकालो। हेलो, होशंगाबाद की टिकट खरीदो, 15 मिनट में ट्रेन छूट रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। सर सेम नंबर है 444-689-863। शोकेश, चीज लंबी होने वाली है, 15 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है, तुरंत हाईवे पकड़ो। सर मैं हाईवे पर पहुंचने वाला हूँ, ऑन द वे जितने भी स्टेशन है सभी जीआरपी को अलर्ट कर दिया। हबीबगंज, मंडीदीप, अबिदुल्लागंज, बुधनी, फिर होशंगाबाद। इस वक्त तुक्का भी लगा सकते हैं कि किडनैपर्स कहाँ एक्सचेंज चाहते हैं। स्टेशन पर हमारे आदमी फैले हैं, अभी के लिए जैसा वो कहता है वैसा करते जाओ। जी सर। आशीष तोमर, जिस आदमी ने सिम कार्ड्स खरीदे, एक नहीं चार चार, वो भी एक ही सीरीज के अलग अलग नामों पर, ये था कौन? मैडम मैंने उससे पूछा कि कौन है तू, वो बोला कि मैं एक ऑफिस अटेंडेंट हूँ और बॉस ने मुझे ये चारों सिम खरीदने के लिए भेजा। हमारे कंपनी के साहब ने बोला है एक ही सीरीज के 4 सिम कार्ड चाहिए, ये रहे चारों के डॉक्यूमेंट्स। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक ही सीरीज के क्यों? वो कंपनी के लिए चाहिए, चारों एम्प्लॉय एक ही जगह है ना, तो एक ही सीरीज के नंबर चाहिए। कंपनी के काम से सिम कार्ड खरीदे गए, लेकिन तुमने कंपनी के कोई कागजात नहीं मांगे या फिर उस लड़के का कोई आइडेंटिफिकेशन? चारों एप्लीकेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट सही थे, इसलिए कोई डाउट नहीं हुआ। उस आदमी का हुलिया याद है तुम्हें? मैडम 1 महीने पहले की बात है, यहाँ पर कितने लोग रोज आते जाते हैं ऐसे कैसे याद रखेंगे? लेकिन किडनैपिंग रोज नहीं होती ना आशीष जी, सिर्फ तब होती है जब आप जैसे लापरवाह लोग किडनैपर्स का काम आसान कर देते हैं। ऊपर से सीसीटीवी है नहीं, सोने पे सुहागा। सर ट्रेन निकल चुकी है और मैं होशंगाबाद हाईवे पर हूँ। योगेश, जहां से कॉल्स आए थे वो लोकेशन बुधनी का है, होशंगाबाद से 1 स्टेशन पहले, कहीं हमें मिसलीड तो नहीं किया जा रहा है? सर बुधनी में भी अपनी टीम रेडी है, जीआरपी स्टैंड बाय पर है। ट्रिपल 4-689-863 ये नंबर ऑफ हो गया सर। मतलब किडनैपर की लोकेशन शायद अब बुधनी नहीं है। योगेश, सर किडनैपर ने सलीम को कहा था कि पुलिस को दूर रखो, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा होता तो वो फरोती कैंसिल करता, रिस्क नहीं लेता। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पैसे ड्रॉप करने के लिए जरूर बोलेगा। सर हो सकता है ये कॉलर किसी स्टेशन पर ना हो, ऑन द वे ट्रैक पर हो, कहीं 2 स्टेशन के बीच में। सर कुछ मिला नंदनी? नहीं सर, एज यूजुअल डीलर के यहाँ सीसीटीवी नहीं था,
कह रहा था कोई ऑफिस अटेंडेंट आया और चार सिम कार्ड देकर चला गया किसी दूसरे के नाम पर। उसे शक्ल भी याद नहीं थी सर। खैर, राहत मंजिल की रिपोर्ट लो चौहान से। सर ठंडा है मैडम, यहाँ तो कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। दो बंदों को सलीम के पीछे पीछे स्टेशन भी भेजा था ये देखने के लिए कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। कुछ रिपोर्ट मिली उनसे? ऐसा तो कोई नजर नहीं आया जो सलीम को फॉलो कर रहा हो। वैसे जीआरपी का एक कॉन्स्टेबल ट्रेन में भी सलीम के ऊपर नजर रखे हुए, लेकिन उसने भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। फॉलो नहीं कर रहा है सलीम को, किडनैपर सिर्फ फोन पर कोऑर्डिनेट कर रहा है या फिर कोई बड़ी खुफिया तरह से फॉलो कर रहा है। सर ये बहुत ही शातिर दिमाग आदमी है जो ये गेम खेल रहा है। ये शातिर दिमाग कहीं सलीम का तो नहीं? अगर मास्टरमाइंड सलीम ही है तो वो अकेला नहीं है, उसकी टीम है जिसमें से एक ये कॉलर भी है। सर सलीम के ट्रेन में चढ़ने के बाद उसे एक भी कॉल नहीं आया, अब तक तो मंडीदीप स्टेशन क्रॉस हो चुका है। सच कह रहा हूँ सर, मेरा कोई साथी नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ही गलती हुआ कि उस दिन फलक के लिए चॉकलेट ले गया, दवाई देकर चुपचाप दुकान लौट जाता तो। तेरा जो ये मालिक है सलीम से ही है, क्या ये खुद अपनी बेटी फलक को अगवा करवा सकता है? सलीम भाई खुद? नहीं नहीं सर, खुद क्यों करवाएंगे? जब तू अरशद की दवाई लेकर पहुंचा राहत मंजिल, तो क्या तूने एक झलक भी फलक को नहीं देखा? हजारों बार रो रो कर चीख चीख कर कह चुका हूँ, देखा होता तो पहले ही बता देता ना सर कि देखा है। सर 3:30 बजे फलक के साथ रुबीना तरकारी लेकर घर लौटी, उसके बाद हम जो भी जानते हैं वो वही है जो रुबीना कहती आई है। पूरी राहत मंजिल में से किसी एक आदमी ने भी फलक को गलियारे में खेलते नहीं देखा। फलक गलियारे में खेल रही थी ऐसा सिर्फ रुबीना का कहना है। क्या रुबीना का यह बयान मनगढ़ंत हो सकता है और ट्रेन का यह चक्कर सिर्फ दिखावा? और सर हमने सिर्फ एक घर नहीं तलाशा, सलीम और रुबीना का घर। बवाल मचने पर सिर्फ सलीम और रुबीना ही फलक को राहत मंजिल के बाहर ले जा पाते। शायद रात भर फलक उन्हीं के पास थी और सुबह हमारे पहुंचने के पहले उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया। और इन पर कोई शक भी नहीं करता, हम सबकी नजर पूरी राहत मंजिल पर थी लेकिन सलीम और रुबीना पर नहीं। सर ये जो कुछ भी हुआ राहत मंजिल के दायरे में हुआ, उसके बावजूद हमारे हाथ सुराग का एक कतरा नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलीम सैयद खुद मास्टरमाइंड? अगर ऐसा है तो फिर उसका साथ कौन दे रहा है? सर ये सीरीज का लास्ट नंबर। सलीम जी होशंगाबाद आ रहा है, कॉल लीजिए। हेलो, होशंगाबाद का ब्रिज आएगा 10 मिनट, ब्रिज क्रॉस करते बैग नीचे फेंक दे। मेरी बेटी फलक कहाँ है? बैग फेंक और फिर होशंगाबाद स्टेशन पर तेरी फलक तुझे मिल जाएगी। होशंगाबाद टीम, इन्फॉर्मेशन मिली है कि होशंगाबाद स्टेशन पर बच्ची फलक को हैंडओवर किया जाएगा। पूरे स्टेशन में फैल जाओ, अंदर बाहर सब जगह चेक करो। क्या करना है सर? बैग फेंकना है? अभी रुकिए सलीम जी, हम पता कर रहे हैं कि फलक होशंगाबाद स्टेशन पर है या नहीं। नहीं साहब, स्टेशन पर या बाहर फलक कहीं नहीं दिख रही है। फॉल्स अलार्म लगता है, ये लोग पैसा कलेक्ट करेंगे पर फलक को हैंडओवर नहीं करेंगे। जीआरपी टीम को होशंगाबाद स्टेशन पर फलक कहीं नजर नहीं आई। योगेश ब्रिज से कितनी दूर हो तुम? 10 से 12 मिनट। ब्रिज दिख रहा है, क्या करूं? बैग मत फेंकिए लेकिन नजर रखिए, नीचे कोई दिख रहा है क्या आपको? लेकिन सर उसने कहा है कि फलक होशंगाबाद स्टेशन पर होगी, मुझे मेरी बच्ची मिलेगी सर। फलक वहां पर नहीं है सलीम जी, वो झूठ बोल रहा है। सर उसने कहा है कि अगर मैंने बैग नहीं फेंका तो वो मेरी फलक को। कुछ नहीं होगा फलक को, आप बैग मत फेंकिए सलीम जी। अगर आपने बैग फेंका तो पैसे लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सलीम जी आप बैग नहीं फेंकेंगे, अब नीचे देखिए कोई खड़ा है क्या, कोई दिख रहा है? राम सिंह जल्दी गाड़ी भगाओ।
सुनिए, हम पुलिस से। जी साहब। क्या आपने यहाँ पर किसी को इंतजार करते हुए देखा? हाँ साहब, दो लोग थे, अभी 5 मिनट पहले ही चले गए। क्या कर रहे थे दोनों? पता नहीं साहब वो क्या कर रहे थे, पर उनके हाथ में दूरबीन था और वो बार बार उस पुल की तरफ देख रहे थे। क्या आप उन दोनों के चेहरे पहचान लोगी? साहब हम कैसे पहचानेंगे, बस यूं ही एक बार नजर पड़ गई थी। पांडे, अगर वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए तो अभी के अभी पकड़े जा सकते हैं। साहब अब क्या करूं सर, पैसे तो मैंने फेंके नहीं, अब मुझे मेरी फलक कैसे? आप होशंगाबाद स्टेशन से भोपाल की ट्रेन लेकर लौट आइए। हमें पता चला है कि ब्रिज के नीचे दो लोग इंतजार कर रहे थे, होशंगाबाद स्टेशन पर फलक नहीं। सर हम भोपाल लौट रहे हैं, आसपास का एरिया भी देखते हुए आ रहे हैं कि दो लोग हमारे पहुंचने के 5 मिनट पहले निकल गए, उनके पास कोई व्हीकल नहीं। सर वो दो लोग डेफिनेटली हमारे सस्पेक्ट्स हैं। अगर इन दोनों में से कोई राहत मंजिल का ही है और वो भी भोपाल लौट रहा है तो चेकनाका के CCTV में जरूर देखेगा। योगेश चेक करते हुए। जी सर। सर इस कॉल की लास्ट लोकेशन थी होशंगाबाद सेल टावर ब्रिज के पास वाला। सर योगेश सर भोपाल पहुंच ही रहे हैं, ब्रिज के पास जिन दो लोगों के बारे में पता चला था वो उन्हें कहीं दिखे नहीं रास्ते में। चेकनाका के CCTV में कोई दिखा रात मंजिल का? नहीं सर। सलीम? सलीम ट्रेन में पहुंच रहा है। इतना तो क्लियर है कि सलीम और रुबीना इन्वॉल्व नहीं है। नहीं सर, अगर इन्वॉल्व होते तो सलीम बैग फेंक देता और कहता कि भावनाओं में आकर फेंक दिया क्योंकि वो फलक को देखना चाहता था। सलीम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने उससे कहा। नंदी सलीम नहीं, ये जो दो लोग थे ये हमारे टारगेट है। मुझे लगने लगा है कि अब शायद हम हमारी फलक को कभी नहीं देखेंगे। सत्रह दिन हो चुके थे और अब तक हम फलक के केस को क्रैक नहीं कर पाए। हम श्योर थे कि मास्टरमाइंड राहत मंजिल के अंदर का ही कोई था, लेकिन हम अब तक ये नहीं जान पाए थे कि वो कौन था और कैसे फलक को राहत मंजिल से बाहर ले गया। पर फिरौती की डिलीवरी की नाकामी से ही हमें इस केस की पहली लीड मिली जिसके लिए हम तरस गए थे। अब हमारा फोकस पूरी राहत मंजिल नहीं थी, बस दो लोग थे, सिर्फ दो, जिनको हम तलाशने लगे। अब रिवर्स थ्योरी काम करने लगे। ये दोनों शातिर खिलाड़ी मालूम होते हैं, इन्होंने अपने खुद के फोन तो साथ में लिए नहीं होंगे फिरौती वाली ट्रिप पर जब इन्होंने सलीम को होशंगाबाद बुलाया था। जाहिर सी बात है सर, किडनैपिंग के 10 दिन पहले यानी 2 जून को उन्होंने 4 सिम कार्ड्स खरीदे, वो भी किसी और के डॉक्यूमेंट्स देकर। उतना ही नहीं, यह भी इंश्योर किया कि जहां जहां से उन्होंने फिरौती के कॉल्स किए वहां वहां पर अपने पर्सनल रेगुलर फोन न ले जाए, शायद उन्होंने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया होगा। लगता है अब हमारा फोकस और भी बारीक हो गया है। मिल गया, इस बंदे का फोन घर पर ही था 27 जून को जब पहला फिरौती का कॉल आया, और 28 जून को भी इसका फोन घर पर ही था जब दूसरा फिरौती का कॉल आया। सर यहाँ भी 29 जून को जब फिरौती की डिलीवरी का कॉल आया तब भी इस बंदे के फोन में कोई मूवमेंट नहीं थी, इसका फोन घर पर ही था। जी आज आदिल कॉलेज नहीं गया? जी नहीं गया। तो कहाँ गया है? अपने अब्बू के साथ किसी काम से गया है। अभी के अभी अपने शौहर सुल्तान को फोन लगाइए।
मिनट रुकेंगे, रुखसार का फोन है, कहीं अम्मी की तबीयत को कुछ ले लो। हाँ रुखसार, क्या बात है? पुलिस आई है घर पर, आपको और आदिल को पूछ रही है। क्यों? सुल्तान काजी, मुझे तुम्हारा बेटा आदिल चाहिए। आदिल? आदिल क्यों साहब? 10 मिनट में आदिल को लेकर थाने में पहुंचो सुल्तान। साहब हम किसी काम में मशरूफ हैं। बाबा कयूम के साथ। साहब बाद में आते हैं ना। अगर तुम अभी के अभी नहीं आए तो हम वहां आकर उठा लेंगे तुम्हें। तुम्हारे और आदिल के लिए हमारे आदमी पूरे भोपाल में घात लगा कर बैठे। आप लोग हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या हुआ है? रुखसार जी, 12 जून को आप अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, तब आपका बेटा आदिल घर पर अकेला था, है ना? था अकेला, लेकिन जैसे फलक गायब हुई वो भी सबके साथ फलक को ढूंढने लग गया। बेफिक्र होके जाना सुल्तान, हम तुम्हें देख रहे हैं। आदिल बेटा लौट आने के बाद हम तुम्हारी परेशानियों के बारे में बात करेंगे। उनतीस जून को तू अपने कॉलेज गया था दिल? जी हाँ गया था। 27 जून को? हाँ गया था। 28 को? हाँ गया था। झूठ, इन तीनों दिन तू अपने कॉलेज नहीं गया, अटेंडेंस रजिस्टर में नहीं है। अब आप मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। सुल्तान, बाबा कयूम के पास क्यों लेकर गए थे आदिल को? वो हमारा पर्सनल मामला है साहब, एक बार तबीयत से ठुकाई करने शुरू की ना तो कुछ भी ये पर्सनल, प्राइवेट और पब्लिक नहीं रहेगा, समझा? साहब कुछ दिनों से मेरा बेटा परेशान चल रहा था, अब पढ़ाई को लेकर के या कोई लड़की का मसला, इसलिए बाबा जी के पास मैं जाता रहता हूँ। आदिल की परेशानी हमें अच्छी तरह से मालूम। हाँ आपको तो सब पता है। 27 जून हमीदिया कॉलोनी, 28 जून मनुआ भान की टेकड़ी, 29 जून होशंगाबाद के रेल ब्रिज के नीचे खड़ा था दूरबीन लेकर। सच कह रहा हूं ना आदिल? और इन तीनों दिन तू अपना फोन अपने साथ लेकर नहीं गया, बल्कि तूने अपने फोन को छोड़ा अपने घर राहत मंजिल में। स्मार्ट। कितने जोर से तू हमारी मदद कर रहा था फलक को ढूंढने में, जबकि तू अच्छे से जानता था कि फलक कहां है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वैसे मेरा बेटा परेशान है, उस पर आपके बेहुदा इल्जाम। आदिल तेरा पर्दाफाश हो चुका है, सच सच बता दे, पहली बात फलक इस वक्त कहां है, दूसरी बात तेरा साथीदार कौन था जो तेरे साथ ब्रिज के नीचे खड़ा था? और यही साथीदार फिरौती के लिए कॉल कर रहा था, है ना? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? आदिल बेटा बोलना, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बोलना। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है सुल्तान, आदिल ने फलक को तेरे कहने पर अगवा किया है। किस काम की थी फलक तेरे? मेरे किस काम की? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जादू टोना झाड़ फूंक करके तू कौन सी मुराद पूरी करना चाहता था फलक के जरिए? बिजनेस में बरकत पाने के लिए बच्ची की बलि चढ़ा दी तूने? तेरी बीवी भी थी ना साथ में? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, ये सब झूठ है। क्या चाहिए? बाबा कयूम से मिली कौन सी विद्या आजमाना चाहता था तू फलक पर? इस सारे फसाद की जड़ तू है सुल्तान, तू, तेरे नापाक इरादों का पर्दाफाश हो चुका है सुल्तान। बोल बोल, कहां है फलक इस वक्त, कहां रखा है उसको? सर अब वो कुछ नहीं जानते। गुड, वेरी गुड, ये हम जानते हैं। अब हमें तू ये बता दे तेरा वो दूसरा साथीदार कौन था? कबीर, कबीर पठान। मैडम, मैडम झूठ बोल रहा है आदिल, मेरे कबीर को फंसा रहा है। ये बात हम आपके बेटे कबीर को उसके बेस्ट फ्रेंड आदिल के सामने बैठा कर पूछना चाहते हैं। आप भी आइए मिस्टर पठान। आदिल, कबीर, एकदम शुरुआत से कोई झूठ नहीं, कोई मसाला नहीं, जो जो हुआ है वो चलो हो जाओ शो। कबीर, यहाँ रोज 1,000-1,500 गाड़ी आती है पार्किंग में। क्यों बे, तू क्या गिनते बैठता है? चल कैलकुलेट करते हैं। कितना हुआ आदिल? मेरे हिसाब से तो 3 लाख तो कहीं नहीं गए महीने के। बॉम्ब यार, एटम बॉम्ब। और गुड न्यूज़ पता है कबीर, पार्किंग के रेट्स ना कभी कम नहीं होते, हर साल बढ़ते हैं। और कार तो खैर 2 व्हीलर से तो ज़्यादा होती जा रही है। अपने लिए बनाइए बिजनेस कबीर। इतनी बड़ी जमीन, पैसे तगड़े लगेंगे फिर? ऑब्वियसली यार, तगड़े पैसे तो लगेंगे, सब कुछ मिलाकर 75 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। 75 लाख? मैंने इसे पहले कहा था सर, प्लान बड़ा रिस्की है। लेकिन तू मान गया था ना सर? ये मान गया था सर। लेकिन इसने कहा था कि सलीम अंकल के लिए हाथों का मैल है 75 लाख। मुझे लगा इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है,
इतने पैसे तो होंगे, लेकिन सब फलक को किडनैप करने के अड्डे में रिजेक्ट कर चुका था। छोटी सी बच्ची थी वो। झूठ बोल रहा है सर, इसने तुरंत हाँ बोल दिया था। फिरौती के सारे कॉल इसी ने किए थे। टेंशन मत लो, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कॉल्स के, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, कबीर और मैं इक्वल शामिल थे सर, क्लोरोफॉर्म का आइडिया इसी का था, लेकिन गलती इससे हुई थी। हुई थी कि नहीं आदिल, बोलना। सर ये पूरी पलटी मारा है सर, ऐसा दिखा रहा है जैसे सब कुछ मैंने किया है। क्लोरोफॉर्म तो तूने चुराया था ना केमिस्ट्री लैब से। पर सर आइडिया इसका था, बोलता था सब आसान होगा, क्योंकि इसे सब मालूम था कैसे क्या करना है। आराम से दो घंटे तक नहीं उठेगी, छुपा कर रखेंगे और तुरंत फोन करेंगे सलीम अंकल को, और वो दे देंगे 75 लाख। होंगे इतने पैसे उनके पास? यार जान अटकी पड़ी है सलीम भाई की फलक में, फटाफट 100% दे देंगे। लेकिन अगर हम अपने फ़ोन से कॉल करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। वही तो सोच रहा हूँ यार, कैसे करेंगे? सर ये बोला बन रहा है सर, सिम कार्ड का प्लान इसी का था, डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी इसी ने चुराए थे सर, एक नहीं सर चार चार सेट अलग अलग लोगों के। बोल कबीर, बोल मैं झूठ बोल रहा हूँ। तू चिल्ला क्यों रहा है? सर देखो कितना चिल्ला रहा है, क्योंकि सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रहा है। क्राइम इसने क्या है, नहीं कि मैंने, फलक के साथ जो कुछ हुआ इस आदिल ने किया है। 12 जून की दोपहर को क्या हुआ था आदिल? क्या हुआ था आदिल? फलक, ये फलक, बेटा दूध ठंडा हो रहा है, पीले फिर खेलने चले जाना। मैं कुछ दिनों से रोज फील्डिंग कर रहा था कि मैं फलक को उठा सकूं, उस दिन सही चांस लगा। टॉफी खाओगे? बैठो फलक, ठीक है मैं 2 मिनट में टॉफी लाया, ठीक है? टॉफी चाहिए फलक? पक्का? आंखें बंद करो। तब तो मैं था भी नहीं सर, जब इससे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई थी। सर ये पल्ला झाड़ रहा है सर, फिरौती के रकम लेने तू ही आया था ना ब्रिज के नीचे। नो सर, इसने मुझे फोर्स किया था, मैंने तो इसे कहा भी था कि अब क्या फायदा, तो पता है इसने मुझे क्या बोला? कि साली पुलिस तो इतना मथापच्ची करने पर जुगाड़ सकी है, हम फिरौती जरूर लेंगे। और यही नहीं सर, इसने उल्टा मुझे भी ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल कब किया मैंने तुझे? तूने मुझे ब्लैकमेल किया। सर झूठ बोल रहा है सर, एक नंबर का धोखेबाज है तू। फलक के बेहोश हो जाने के बाद क्या हुआ? वही तो गड़बड़ हुई ना सर, पूरा प्लान चौपट कर दिया इसने। पलक को लेकर नीचे कब आ रहा है? मैं वेट कर रहा हूँ तेरा, जल्दी आ। यार कबीर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? यार क्लोरोफॉर्म का डोज़ लगता ज्यादा हो गया, बच्चे तो हिल ही नहीं रही है, नाक से खून भी बह रहा है। आदिल, आदिल इसकी सांसें चेक कर। हाँ हाँ, ब्रीदिंग तो हो रही है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग हो रही है। यार कबीर रुक सर, आप यार कबीर, इसके इसके तो घर वाले ढूंढने आ गए इसे। अब क्या करेगा तू? रुक सर आपा, रुक सर आपा। हाँ कौन? आदिल मैं रुबीना, फलक आई क्या तुम्हारे यहाँ? नहीं फलक तो नहीं है, मैं बाथरूम में हूँ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। क्यों कुछ हुआ क्या? पता नहीं फलक कहीं मिल नहीं रही है। फिर क्या हुआ आदिल? फलक इसके हाथों मर गई सर। बॉडी कहाँ है फलक की? तो ये सारा कुछ सिर्फ पार्किंग लॉट के बिजनेस के लिए?
ताकि महीने के 2-3 लाख रुपए कमा सकूं बस। ये लड़का आदिल हर रोज भर भर के इधर छिड़कता रहा अपने कमरे में ग्रिल के बाहर लटकते प्लास्टिक बैग पर। 21 दिन तक फलक की लाश वहां पर सड़ती रही गलती रही सिर्फ पैसों के लिए। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है सलीम जी, और ना ही आदिल और कबीर के मां बाप को। आदिल के पिता की आमदनी उतनी ज्यादा नहीं थी, पर कबीर पठान के पिता का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। नाबालिग होने के नाते आदिल और कबीर को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है, पर हम पूरे जोर से अदालत से दरख्वास्त करेंगे कितने भयानक जुर्म के लिए उन पर बालिकों की तरह मुकदमे चल। जुर्म के जरिए कोई अपने सपनों का महल खड़ा करने की उम्मीद कैसे रख सकता है, वो भी इतनी कम उम्र में जब असली दुनिया में दाखला भी नहीं हुआ होता है। ऐसी नाजुक उम्र में जब रोज नए नए सपने आते हैं और हुनर सीखकर उन्हें पूरा करने की भरपूर ताकत होती है, उत्साह होता है और एक मासूमियत भी होती है। जुर्म सपनों का दुश्मन है, उम्मीदों का कातिल है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।